हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जाएंगे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, अब कुछ 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ हैव अ लुक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इंडिकेट सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू। अब एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ, दो तरह की सर्कुलेशंस होती हैं, एक होती है एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरी होती है पल्मनरी सर्कुलेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब वो क्यों पूछ रही हूँ वो उसमें पता लग जाएगा आपको, क्योंकि उसमें इसका आंसर यहाँ से रिलेटेड है। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन एक वो सर्कुलेशन होती है जहाँ पे हार्ट इन्वॉल्व होता है और वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, इन विच द हार्ट एंड द वेरियस अदर पार्ट ऑफ द बॉडी दे आर इन्वॉल्व्ड एक्सेप्ट लंग्स। सो वहाँ पे ये क्या करता है, पंप करता है एंड दे सप्लाई द ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, टू टॉक अबाउट द पल्मनरी सर्कुलेशन, ऑन द कंट्रेरी पल्मनरी सर्कुलेशन एक वो सर्कुलेशन है जहाँ पे योर लंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा लंग्स के अंदर। सो हार्ट ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया पूरी बॉडी में से, हर टिश्यूज, हर ऑर्गन, हर स्ट्रक्चर में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने क्या किया, फर्दर पंप किया, उसको कहाँ पहुँचा दिया, उसको पहुँचा दिया आपके लंग्स के पास। लंग्स में क्या हुआ, फर्दर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है दैट विल बी अगेन रिटर्न बैक टू द हार्ट। हार्ट फिर उसको पंप करेगा टू द वेरियस स्ट्रक्चर एंड लाइक दिस होल सर्कुलेशन गोज ऑन। हमारे केस में बात करें तो हमारे पास पल्मनरी सर्कुलेशन भी है और सिस्टमिक सर्कुलेशन भी है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन है। अगर हम सिर्फ एक सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बात करें या सिस्टमिक हार्ट के बारे में बात करें, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ द लोअर ऑर्गेनिजम्स। सो ऑप्शन देखते हैं इसका, ए एंट्रिक हर्ट प्रेजेंट इन द लोअर वर्टिब्रेट्स, येस दिस इज राइट, दैट इज अ एंट्रिक हर्ट इन विच ओनली द यू कैन सी द हार्ट एज वेल एज वेरियस स्ट्रक्चर्स दे आर इन्वॉल्व। सो ये हो गया आपका ऑप्शन ठीक। द टू वेंट्रिकल्स टुगेदर इन अ ह्यूमंस नो, हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द स्टिमुलेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम नो। दो तरह के जिससे बता, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक, यहाँ न्यूरोजेनिक लिखा हुआ है, सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स नो, इन फैक्ट सिस्टमिक हर्ट इज अ एंट्रिक हर्ट इन द लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ लिम्फ, ट्रू फॉर अ लिम्फ। नाउ लिम्फ के फिर एक ऑप्शन दे रखा है WBC एंड सीरम। लिम्फ के अंदर क्या WBC और सीरम प्रेजेंट होते हैं, नहीं। लिम्फ के अंदर एक्चुअली दीज थिंग्स WBC की अगर हम बाद में बात करें, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट, बट दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड एक्सेप्ट द RBC एंड सम प्रोटीन, ये ऑप्शन ठीक है। सो दे आर हैविंग एवरीथिंग एक्सेप्ट RBC, वाइट कलर का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड निकल जाता है, जो एंडोथीलियम, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, सो पता है ना आपको, लिम्फैटिक सर्कुलेशन पढ़ी थी, लिम्फ नोड पढ़ा था, लिम्फैटिक वेसल्स पढ़ी थी, हाउ द सर्कुलेशन हैपन्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, आई मीन टू से द टी एंड द बी लिम्फोसाइट्स, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन सेशन। ठीक है, ये तो पता ही है आपको ब्लड एंड लिम्फ में व्हाट इज द डिफरेंस। सो दिस गिव्स अस अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्लड एंड अ लिम्फ। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर टू द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। Now, what is the correct regarding the leukocyte? Correct statement we are looking for and the leukocyte. Leukocytes. Leukocytes matlab. Sorry. Lymphocytes. Lymphocytes. Right? सो लिम्फोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स लाइक आपके हो गए बी लिम्फोसाइट्स, एंड नेक्स्ट है आपका टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो ये सबसे पहले लिखा है मैंने, दैट इज अ बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ इन्वॉल्व होता है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। सो इसका काम होता है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करना,
ये ठीक है. दैट इज द रीजन इट शोज द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सो इसको एक इस तरह की इम्यूनिटी को कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी द सेकेंड वी हैव इज अ टी लिम्फोसाइट्स. अब ये जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं इनका क्या काम होता है, ये सीधा के सीधा इंगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, ताकि एंटीबॉडीज आए और उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि एंटीबॉडीज दे आर स्पेसिफिक फॉर दैट एंटीजन, वो आएंगे एंड इसको किल कर देंगे. सो द टी लिम्फोसाइट्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन विच काइंड ऑफ इम्यूनिटी, दे आर इन्वॉल्व्ड इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, आगे बात समझ में. दे आर इन्वॉल्व्ड इन अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बी एंड द टी लिम्फोसाइट्स. अब क्वेश्चन हमें ये कहता है व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द ल्यूकोसाइट्स. अगर हम एक लिम्फोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन देखें, अगर ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, दे कैन ईजिली स्क्वीज आउट ऑफ द एंडोथीलियम. सो दीज ल्यूकोसाइट कैन ईजिली squeeze out of endothelium of blood vessel. ठीक है. उसके बाद the chances they can collect in lymph. वहां से दे कैन कलेक्ट देम सेल्फ एट द लिम्फ नोड. लिम्फ नोड और लिम्फ नोड से ये फर्दर कहां ऐड हो जाते हैं, लिम्फैटिक वेसल्स में. लिम्फैटिक वेसल्स में. लिम्फैटिक वेसल्स से दे कैन अगेन अक्यूमुलेट एंड दे कैन गो बैक टू द ब्लड. ठीक है, समझ में आ गई है पूरी थ्योरी. सो दिस इज अ एक्चुअल फंक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट. और इनका काम क्या होता है, बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजेंस. ठीक है, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, लेट्स लुक फॉर अ करेक्ट ऑप्शन. दीज कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल. यस, दीज आर हैविंग और यू कैन से दे कैन ईजिली स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल. इन द कैपिलरी वॉल द एंडोथीसियम इज प्रेजेंट विच आर हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ गैप्स प्रेजेंट इन देम थ्रू विच दे कैन ईजिली स्क्वीज आउट. सो दिस इज अ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन इज दे आर ई न्यूक्लिएटेड. दे आर नॉट एट ऑल ई न्यूक्लिएटेड रादर देन दे आर न्यूक्लिएटेड. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर देर आर, अगर हम आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में बात करें, ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं बट दे डू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस. सडन फॉल इन देयर नंबर इंडिकेट्स कैंसर. नो, we cannot correlate the number of these, you can say the leukocyte, with the cancer. These are produced in the thymus. No, these are not produced in the thymus. Rather than the leukocytes, they are produced in the bone marrow. Whereas in case of the B lymphocytes, their maturations occur in the bone marrow itself. Whereas to talk about the T lymphocyte, their maturation occur in the thymus. So this is the exact difference between these. So for the question number 3, so this is also incorrect option. So for the question number 3, correct option we have is A. So can we proceed further? Now next question is question number 4. Pulmonary artery is different from pulmonary vein. It has because. Now, first of all, how many of you have an idea of pulmonary artery? Right, as compared to pulmonary vein. How many of you have an idea of distinguish among these? Now, as per the pulmonary artery, though the name is that it is an artery, but actually it doesn't function like an artery. Its function is opposite to that of a normal artery. They actually carries deoxygenated blood. Deoxygenated blood. ठीक है,
Whereas pulmonary veins क्या करती हैं? They carries oxygenated blood. ठीक है. Now ये जो है इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है, सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ तक कैरी कर ली होती है? फ्रॉम हार्ट टू लंग. वेयर एज द पल्मोनरी वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट. अगर इसको मुझे और स्पेसिफिकली लिखना पड़े, मैं ये कह सकती हूँ कि हार्ट, हार्ट का कौन सा पार्ट? यहाँ से आपका होता है राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स लंग, राइट? और इसमें क्या हुआ? लंग है, सो लंग विल कैरी, लंग विल बी हैविंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हेयर द एक्सचेंज, आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो ब्लड होगा उसको कहाँ ला दिया जाएगा? लेफ्ट एट्रिया के अंदर. सो लेफ्ट एट्रिया के बाद जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास. लेफ्ट वेंट्रिकल से दे विल बी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. नाउ एज पर द पल्मोनरी आर्टरीज आर कंसीडर्ड इन दिस केस द नो वॉल्व्स आर प्रेजेंट. Whereas in case of the pulmonary vein, it has a valves. ठीक है, आगे बात समझ में? और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? यहाँ पे जो इनका ल्यूमन होता है, ल्यूमन नैरो होता है. यहाँ का ल्यूमन क्या होता है? लार्ज. ठीक है, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन. Now, pulmonary artery is different from the pulmonary vein because it has, pulmonary artery के पास क्या क्या है? Larger lumen. Larger lumen था? नहीं, इसके पास तो narrow lumen है. So, ये option हो गया आपका incorrect. Thick muscular walls. Yes, they have a thick muscular wall. That is a reason. इनके पास जो space बच जाता है वो बहुत narrow होता है. So, this option is right. No endothelium. In fact, this is artery and we are talking about a normal artery and a vein. In this case, the endothelium is present. Whereas the valve, do they have valves? No, they do not have valves. So this doesn't make a characteristic difference between a pulmonary artery and a pulmonary vein. So isme correct option aapka kya aa gaya? Option number B is correct for the question number 4. Theek hai, aage baat samajh mein? Chaliye, let's move on to the next question. Question number 5. Now, in mammals, histamines are secreted by. Histamines कौन बनाता है? सीधा है, direct question है आपके NCERT से. Histamines, they are secreted by the mast cell, a special type of cells which are having a granules present in them. अब बात ये आती है कि histamines का function क्या है? Histamine आपके blood pressure को कम कर देता है, reduce करता है. ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है. ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्शन करता है वेरियस स्ट्रक्चर्स का, जैसे कि यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जैसे कि आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है. दिस इज अ फंक्शन ऑफ हिस्टामिन्स. ठीक है, देखो आपने नोटिस किया होगा जब भी हमें कोई मस्कीटो बाइट करता है थोड़ी देर बाद हमें उस जगह पे इचिंग होने लग जाती है और हम करने शुरू कर देते हैं. एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन्स. देयर कलेक्शन हैज अकर्ड एंड बिकॉज ऑफ दीज कलेक्शन, क्योंकि ये वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, दे ट्राई टू किल दैट एंटीजन्स. जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, दे ट्राई टू किल दैट पर्टिकुलर एंटीजन एंड दैट इज द रीजन दे गेट एक्यूमुलेटेड ओवर टू दिस दैट रीजन. सो ये कौन प्रोड्यूस करता है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल. वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो गए, दे विल ट्राई टू किल इट. ठीक है, जैसे हमें फील होता है एंड जब भी ये रिएक्शन शो करते हैं, वेन दे ट्राई टू किल इट, इट प्रोड्यूसेस हीट. कभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई मस्कीटो हमें बाइट कर जाता है वो एरिया रेड हो जाता है, इनफैक्ट वो थोड़ा गर्म भी हो जाता है, बहुत स्लाइट सा हॉट होता है. कभी नोटिस करना इस चीज़ को. एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन्स, राइट? एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस विच इज हैपनिंग एंड बेसिकली द हिस्टामिन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्फ्लेमेशन प्रोसेसेस. स्वेलिंग हो जाती है उस रीजन में. ठीक है, चलिए फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया, दैट इज अ डी. चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. नाउ द करेक्ट रूट थ्रू विच द पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट. चलिए यहाँ पे काम करते हैं, स्ट्रक्चर ही पढ़ लेते हैं हार्ट का. एक रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं हार्ट का.
रफ डायग्राम है हार्ट का। अब इसमें देखना, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका दिस इज अ लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज अ राइट ऑरिकल, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका देयर एर इज अ प्रेजेंस ऑफ एस ए नोड। क्या प्रेजेंट है? ये एस ए नोड। ठीक है, ऐसे नोड से, ऐसे नोड का काम क्या काम होता है? दैट इम्पल्स को जनरेट करना। हमारा हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। जैसे ही इसमें नर्व इम्पल्स स्टार्ट हुई कंडक्शन, इट विल ट्राई टू कंडक्ट इट इनटू द अनदर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ए वी नोड। ए वी नोड इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सो सिग्नल कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हुआ, ध्यान से देखना। सो इसमें देखो सिग्नल कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हुआ, यहाँ से सिग्नल यहाँ पहुँच गया, एस ए नोड टू ए वी नोड। ठीक है, फिर उसके बाद इट विल कम टू दिस पोजिशन, यहाँ पे, यहाँ से इट विल स्प्रेड टूवर्ड्स द बोथ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये है आपके पुरकिंजे फाइबर्स, लाइकवाइज इट विल स्प्रेड ताकि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन भी ये कर सके। दिस इज अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो दिस एक्चुअली दे फॉलोज दिस पर्टिकुलर पाथ। सिमिलरली दे आर ऑल्सो सेपरेटेड, सेपरेटेड है, कभी भी मत सोच लेना मिक्स है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। अब ध्यान से देखो, ये इसको बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिक्यूलर बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज बंडल ऑफ हिस, दैट इज बंडल ऑफ हिस। ठीक है, उसके बाद ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है ये सेपरेट होता है, सो इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये दोनों की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, दिस इज टर्म्ड एज अ राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, वेयर एज दिस विल बी टर्म्ड एज अ लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, यहाँ से स्प्रेड होते हैं वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड अल्टीमेटली इट विल स्प्रेड टूवर्ड्स द लास्ट विच इज अ पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजर फाइबर से वेव ऑफ कंट्रैक्शन इसके मसल्स में ट्रांसमिट हो जाती है। राइट, सो दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो हाउ द वेव ऑफ ट्रांसलोकेशन एक्चुअली, वेव ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एक्चुअली हैपन्स ड्यू टू विच द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ हर्ट अकर। राइट, सो स्टूडेंट्स होप इट इज क्लियर टू यू। इट हैज स्टार्टेड विद अ एस ए नोड, एस ए नोड के बाद ए वी नोड, ए वी नोड के बाद आया एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, वहाँ से सेपरेट हो गया टुवर्ड्स बोथ द सेप्टम्स, फिर आगे लास्ट में पुरकिंजे फाइबर और वहाँ से दे विल स्प्रेड टुवर्ड्स द डिफरेंट मसल्स ऑफ हार्ट। नाउ इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, देखो फर्स्ट देखते हैं ए वी नोड। नो, इट डजंट स्टार्ट विद द ए वी नोड, रादर देन इट स्टार्ट विद द एस ए नोड। सो फर्स्ट में है ए वी नोड बंडल ऑफ हिस एंड देन द एस ए, नो इसमें भी है ए वी पहले लिखा हुआ है बाद में ऐसे लिखा हुआ है, सो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं ऐसे नोड पुरकिंजे फाइबर्स बंडल ऑफ हिस ए वी नोड, ऐसे नोड इज फाइन एंड आफ्टर दैट इट शुड बी ए वी नोड, नो। लास्ट है ऐसे नोड ए वी नोड बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर्स इन द हर्ट मसल। ठीक है, इसमें मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, अब समझ में आ गया ना ये आंसर। सो फॉर सिक्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। Arteries carries oxygenated blood. Yes, arteries, they always carry oxygenated blood and we have a one exception, that is a pulmonary arteries. So pulmonary artery ka kya function hota hai? Pulmonary artery carry what? Deoxygenated blood.
कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स. ठीक है, आगे बात समझ में. सो फॉर दिस क्वेश्चन 7 ऑप्शन ए इज करेक्ट. आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नाउ विच वन ऑफ द एनगल्फ द पैथोजन रैपिडली. सो हमें बताना है कि कौन सा है जो रैपिड एनगल्फ करता है. अगर हम ब्लड के बारे में डिस्कस करें, ब्लड में ब्लड के कुल मिला के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. WBC को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है आपका ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है आपका ए ग्रैनुलोसाइट. ठीक है, अब ध्यान से देखना. ये जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, फर्स्ट है इसमें न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है आपका इओसिनोफिल, तीसरा है आपका बेसोफिल. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स. अब ध्यान से देखना, न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? दैट हेल्प्स इन द फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे. इओसिनोफिल का भी काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस में हेल्प करना, ताकि कोई भी फॉरेन पैथोजन आ रहा है उसको एनगल्फ किया जा सके. बेसोफिल्स का काम होता है इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कॉज करना, इन्फ्लेमेशन एट द साइट. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए ग्रैनुलोसाइट्स. यस, ए ग्रैनुलोसाइट भी फर्दर डिवाइड होता है. चलिए इसमें आते हैं आपके ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट और दूसरा है इसमें मोनोसाइट्स. ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं आपके? लिम्फोसाइट्स में आ गए आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट. इनके बारे में मैंने बता दिया आपको. ठीक है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है? एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, दूसरा हो गया मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना, फैगोसाइटोसिस. और इनका काम होता है टू एक्ट लाइक अ APC. एंड व्हाट इज अ APC? दैट इज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है, ये उसको शो करता है अपने ऊपर एंड देन एंटीजन को वो प्रेजेंट करता है सो दैट दे कैन बी किल्ड. चलिए अब कम बैक टू द क्वेश्चन. यहाँ पे है मोनोसाइट बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स इज अ करेक्ट ऑप्शन. मोनोसाइट भी काम करता है बट वी आर लुकिंग फॉर दैट विच रैपिडली फेगोसाइटाइज द पैथोजेंस. ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? आंसर भी होप समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नाउ चलिए, चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ. सो इसमें होता है कि चाइल्ड डेथ, दैट मीन्स हीमोलिटिक डिसीज ऑफ अ न्यू बॉर्न. एक्चुअली इस केस में क्या होता है? जब एक RH नेगेटिव मदर की मैरिज होती है विद RH पॉजिटिव फादर, इन दैट कंडीशन अगर आप बेबी, फर्स्ट बेबी जो वॉर्म में प्रेजेंट है एक मदर के, इफ इट इज RH पॉजिटिव, इन दैट कंडीशन चांसेस कि उन दोनों के ब्लड आपस में मिक्स हो जाए. मिक्स होने के बाद जो मदर का जो ब्लड है, बिकॉज इट इज़ RH नेगेटिव, ये इनके पास कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, एंटीजेंस नहीं है, सो क्या होगा? दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज. क्योंकि बर्थ के टाइम पे नॉर्मली दे आर नॉट कनेक्टेड टू वन अनदर, ब्लड उनका मिक्स नहीं हो रहा. बट जैसे ही बर्थ होएगा, चांसेज आर दे कैन मिक्स इन मदर की बॉडी, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज. सेकेंड टाइम में इफ लाइक द बेबी इज दैट, इफ दैट मदर कंसीव, द चांसेज दैट द बेबी विल बी बॉर्न और बेबी विल बी अबॉर्टेड. द रीज़न इज दैट क्योंकि बेबी का क्या होगा? RH पॉजिटिव, क्योंकि वो डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है. सो मदर के पास ऑलरेडी RH नेगेटिव है, सो दे विल किल इट.
ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। होप ये तो बहुत ही जनरल सा है, हम सबको पता ही है। सो इस चीज़ में आपको याद रखना है, व्हेन आर एच नेगेटिव वुमेन इज देयर एंड आर एच पॉजिटिव मैन इज देयर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आरबीसी डू नॉट अकर इन, आरबीसीज आर द रेड ब्लड सेल्स, दीज आर दोज विच हेल्प इन द, यू कैन से विच प्रोवाइड अ रेड कलर टू द ब्लड। दे आर एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ द कॉकरोचेस, बिकॉज कॉकरोचेस में क्या होता है, हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट, हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। अब ये जो हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है कॉकरोचेस के अंदर, इसका क्या फीचर है, ये कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को और इन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में हेल्प करता है टू वेरियस पार्ट्स। ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम नहीं कर रहा होता, दे हैव अ वेल डिफाइंड ट्रैकिया प्रेजेंट ऑन देम, स्पारिकल्स आर प्रेजेंट ऑन देम ड्यू टू विच दे कैन रेस्पायर प्रॉपरली। ठीक है, सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 10। सो विद दिस लेट्स वाइंड अप द सेशन हेयर ओनली। होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगले सेशन में मिलेंगे, विल बी डिस्कसिंग अ न्यू चैप्टर। टिल देन डू रिवाइज एवरीथिंग विच वी हैव स्टडीड इन द सेशन एंड ऑल्सो द क्वेश्चन एज वेल। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।